नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश स्वागत करता हूं आपको इंडियन टेक्नो माइंड चैनल पे। तो दोस्तों, आखिरकार सामने आ ही गया रियलमी का एक नया अवतार जो कि रियलमी U1 के नाम से। और दोस्तों, इस फ़ोन को लेकर काफ़ी चर्चाएँ की गई काफ़ी, कि ऐसा फ़ोन होने वाला है, वैसा फ़ोन होने वाला है, काफ़ी तहलका मचाएगा, आधी आएगा, तूफान आएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ नहीं आया। आया तो क्या आया, जो कि पहले से सुन रहे थे कि मीडियाटेक का P70 आया। सेम कह सकते हैं कि आपको रियलमी 2 प्रो फोन देखने को मिल रहा है जो अभी रियलमी U1 है। क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन सही रहेगा आपके लिए, और दोनों में क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा, क्या क्या बदलाव किया है यहाँ पे रियलमी ने, सब कुछ बताऊंगा आज के वीडियो में। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूजन में होंगे कि दोनों में से कौन सा फ़ोन लिया जाए, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, मैं आपकी पूरी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करेंगे सबसे पहले दोनों फोन की डिस्प्ले की। तो दोनों फोन का जो डिस्प्ले है सेम साइज रहने वाला है, डिस्प्ले साइज जो कि 6.3 इंच की दोनों की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले रहेगी। प्लस में दोनों ही फोन में ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएंगे, और दोनों फोन का जो रेशियो रहेगा 19.59 एक्सेप्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों के बीच में। अब बात करते हैं दोनों फोन की कैमरा की। तो यहाँ पे रियलमी U1 में आपको कैमरा देखने को मिलेगा, जो रियर में एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा, दूसरा जो रहेगा आपका 2 मेगापिक्सल का कैमरा, और फ्रंट में इस फोन में आपको मिलेंगे 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो इस कह सकते हैं कि इस रियलमी U1 में आपको सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, और इसमें आपको काफ़ी अच्छा सुधार देखने को भी मिलेगा। इसमें आपको बोके मोड, AI B2C, काफ़ी अच्छे फीचर इस सेल्फी में आपको देखने को मिल जाएंगे। और बात करते हैं रियलमी 2 प्रो में क्या मिलेगा। तो आपको मालूम है 16 मेगापिक्सल का पहला कैमरा बैक साइड में, और दूसरा कैमरा जो रहेगा आपका 2 मेगापिक्सल का। तो बैक साइड में यहाँ पे रियलमी 2 प्रो का कैमरा आपको अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि फ्रंट में रियलमी 2 प्रो में मिलेगा आपका 16 मेगापिक्सल का कैमरा। तो कह सकते हैं कि बैक कैमरा आपका रियलमी 2 प्रो का अच्छा रहेगा, और सेल्फी कैमरा आपका रहेगा रियलमी U1 का। तो दोनों फोन की कैमरा की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं दोनों फोन की रैम और स्टोरेज की। तो रियलमी U1 में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला जो वेरिएंट आपका रहेगा 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी के साथ में, दूसरा जो आपका रहेगा 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी के साथ में। वहीं रियलमी 2 प्रो में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, यानी 4 GB रैम के साथ में 64 GB मेमोरी रहेगा, 6 GB रैम के साथ में आपको 64 GB मेमोरी रहेगा, और 8 GB रैम के साथ में 128 GB मेमोरी रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की। तो दोस्तों, जो आपको मालूम है कि रियलमी U1 में आपको प्रोसेसर जो देखने को मिलेगा मीडियाटेक का P70, जो कि इस प्रोसेसर को कहा जा रहा है कि जो पिछले वाला मीडियाटेक का P60 था उससे 13% की अधिक परफॉर्मेंस देखने को इस प्रोसेसर में मिल जाएगा। बात करते हैं रियलमी 2 प्रो में प्रोसेसर की। तो इसमें मिल रहा है आपको क्वालकम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर। तो कह सकते हैं कि दोनों में किसका प्रोसेसर बेस्ट रहेगा, तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि P70 हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि P70 यहाँ पे अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वहीं GPU की बात करते हैं तो रियलमी U1 में आपको मिलेगा माली का G72, वहीं रियलमी 2 प्रो मिलेगा एड्रोनो का 512। बात करते हैं यहाँ पे OS की। तो दोनों ही फोन एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे काम करेंगे, और बैटरी दोनों ही फोन में सेम रहने वाली, जो कि 35 mAh की दोनों फोन में बैटरी देखने को मिल जाएगी। दोनों ही फोन में बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैन देखने को मिलेंगे, जो कि कहा जा रहा था कि रियलमी U1 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला है, बैक साइड में ही आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे मेन बात प्राइस की। तो जो रियलमी लॉन्च किया है रियलमी U1, इसका प्राइस जो है 3 GB 32 GB, इसका 11,999, और वहीं जो सेकंड ब्रांड है 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी, इसका प्राइस रखा गया है आपका 14,499। वैसे प्राइस में कहेंगे तो काफी अच्छा प्राइस में यहाँ पे रियलमी U1 को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं रियलमी 2 प्रो की प्राइस की। तो आपको मालूम है कि 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी के साथ में जो पहला वेरिएंट है 13,990 में मिलेगा, वहीं जो सेकंड वेरिएंट है 6 GB और 64 GB, इसका प्राइस रखा गया है 15,990 और 17,990 रखा गया है 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी के साथ में। अब दोस्तों, बात करते हैं कि दोनों फोन में डिफरेंस क्या है। तो आप देख चुके हैं कि डिफरेंट थोड़ा सा सेल्फी कैमरा आपका दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है रियलमी U1 का। प्रोसेसर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा U1 में, बाकी दोस्तों कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगी, सब कुछ यहाँ पे सेम मिलेगा जो रियलमी 2 प्रो में आपको मिला है। बैक साइड में आप देख सकते हैं सिंपल सा दोनों का लुक एकदम सिंपल है, फ्रंट साइड में भी दोनों सिंपल है। तो कह सकते हैं जितना मार्केट में हल्ला गुल्ला मचाया गया था, तो सिर्फ मीडियाटेक P70 को देखने के लिए कहने के लिए बस यही बात है, और मीडियाटेक P70 में ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों का जो प्रोसेसर है आपका 12 नैनोमीटर के साथ में बना हुआ है, दोनों का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी नया जो लेटेस्ट है, तो कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है रियलमी U1। अब बात करते हैं दोनों फोन में कौन सा फोन लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अभी रियलमी U1 काफ़ी बेस्ट कह सकते हैं, इसलिए कि अभी का प्राइस इसका भी बहुत सही है। आपको 14,000 के प्राइस में, 14,500 में आपका मीडियाटेक का P70 मिल रहा है, प्लस में आपको सेल्फी 25 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है। तो आराम से आप रियलमी U को परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेस्ट फोन कह सकते हैं कि अभी फिलहाल में है। अगर इन दोनों में सोच रहे हैं तो रियलमी U1 आपके लिए सही रहे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बताइए कि दोनों में कौन सा फोन आपको बेस्ट लग रहा है, या रियलमी को U1 में और ज़्यादा परफॉर्मेंस देने की जरूरत थी, या और देर से इसको लाने की जरूरत थी, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।